हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुबोध मुंजाजी रनेर। मेरे फादर बैंक मैनेजर है और मदर हाउसवाइफ है। मेरा नीट 2019 का स्कोर 631 है और बायोलॉजी का स्कोर 330 है। मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था और हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, इसीलिए मैंने मेडिकल में करियर करने का सोचा। मैं परभनी से हूँ। जब मैंने बायोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का सोचा तो मैंने लोकल कोचिंग क्लासेस और IIB का रिजल्ट कंपेयर किया, तो IIB का रिजल्ट वॉज मच बेटर। तो हमारे लोकल क्लासेस से 4-5 बच्चे ही MBBS के लिए सेलेक्ट होते थे और IIB के मोर देन 800 स्टूडेंट गॉट सेलेक्शन इन MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस। सो IIB के अलावा किधर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सो मैंने IIB लातूर को ज्वाइन किया। 11th हुआ, 12th हुआ, नीट का एग्ज़ाम हुआ। नीट का रिजल्ट जब आया तो मुझे वो रिज़ल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, इसीलिए मैंने फिर से नीट रिपीट करने के बारे में सोचा और IIB से ही सोचा। मेरे नीट में लो स्कोरिंग के लिए IIB नहीं मैं ज़िम्मेदार था, मैं कुछ जगह पे वीक था। तो मैंने डिसाइड किया कि अपने वीकनेस पे काम करके मैं अगले साल IIB के नीट टॉपर्स में अपना नाम लाऊंगा। सेकंड अटेम्प्ट के टाइम में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के जो गलतियाँ थी, वीकनेस थी, उन पर पहले से ही काम किया। जैसे कि पहले मेरे पढ़ाई में कोई डिसिप्लिन नहीं था, तो मैंने वो लाने की कोशिश की। मैंने पहले से ही टाइम टेबल बनाया और उसी हिसाब से मैंने पढ़ाई की। बायोलॉजी एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। अगला चैप्टर होने के बाद पहला चैप्टर तो भूल जाता है, इसीलिए बायोलॉजी सब्जेक्ट नीड्स फ्रिक्वेंट रिविजन्स। पहले साल में मैंने ये नहीं किया था और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इस पर ध्यान रखा। मैंने IIB के कंसेप्ट मैप्स यूज़ करके फ्रिक्वेंट रिविजन्स किए और उसका फ़ायदा मुझे नीट के रिजल्ट में ही हुआ। मैं नीट के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहूँगा, यू शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड तक रिविजन्स कीजिए, टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो कीजिए और टीचर्स पे फेथ रखिए। मेरे नीट के स्कोर को देखते हुए मुझे महाराष्ट्र के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इस सक्सेस का क्रेडिट मैं मेरे पेरेंट्स, दोस्त और IIB को देना चाहूँगा। प्राउड टू बी IIBian।